उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ब्लॉक रतनपुरा ग्राम सभा छिछोर में नाली अधूरी थी और ये बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग संघर्ष किए, अपने पास से पैसे लगाकर इन्होंने संगठन के माध्यम से जिले से लेकर ब्लॉक तक इन्होंने बहुत परिश्रम किया और आज आप लोगों के सामने नाली का निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ब्लॉक रतनपुरा के ग्राम पंचायत छिछोर में नाली अधूरे होने के कारण रास्ते पर पानी जाम लगा हुआ है। मच्छर जो पानी से पैदा हुए हैं उनके काटने से खपनू राम की तबीयत लगभग 6 महीने से खराब है। हमारा जिला मऊ है, खखनू नाम है। 3-4 महीना से हमके मच्छर कटले बाँस से दवा होतिया नारी से पूरा गांव के बेइज्जती होते जाओ तो सबे गारी है। हम तो बनाओ के ठुक पर इनको बेइज्जती हिचड़ा लागल बढ़े लइका परीक्षा वाला आ जात बान से जा गिर जात बान से तो केते पारी है बन गई बनरिया नरिया तो प्रधान माध्यम बनल है। हां पानी पोखरा में गिर जाता गांव में पूरा गांव में बनल है। हमारी जैसे हमारी की निकासी जोन बा पूरा निकास बाटे और निकास को सबका निकास हो गया। सबका निकास हो गया। सतिंदर रखेला कैसे का कक देखाओ ना आ सतिंदर कुल कहला कि चाची के ने का करबू स के ने नारी बननी से चल स कतई कैसे देखाओ ना तो के कुल भैया मोबाइल में खींचा ना खींच के कुल इकट्ठा क के मैं अराउंड के देखावा ना पनिया रुकल है तो से पनिया का निकास हो गए बटे हाँ, हो का खाती डीएम डीएम के रोकल गई तो अलम तो खुलाई फिर प्रधान के कहा प्रधान नारी बनवा तो सबका नारी बन गए बटे चमटोला में सबका चमटोला में बन गए। इसमें बहुत राजनीति किया जा रहा था कि वहाँ पर पानी नहीं गिरेगा। ग्राम प्रधान ब्रजेश सिंह ने भी इस बात को कहा था कि नहीं यहाँ पर जमीन नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं गिर सकता है। वास्तविकता ये निकला कि आप लोगों के सामने ये नाली दिख रहा है जो ग्राम प्रधान ब्रजेश सिंह खुद लोगों को इकट्ठा किया और बाद में अपने बात से पीछे हटकर और इस नाली का निर्माण करा दिए हैं। आज ग्राम सभा छिछोर में नालियों की समस्या खत्म हो गई है, लोग खुशहाल हैं। मैं सत्येंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से इंडिया अनहर्ड के लिए।